बच्चों के तन पर कपड़े नहीं है, छोटे बच्चे नौनिहालों के मुंह में दूध नहीं है, शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ। और वहाँ डुबकियाँ लगा रहा, डुबकी से कुछ नहीं होगा। शिक्षा पर बात करिए, स्वास्थ्य पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए, कुछ नहीं होगा। आप पुलवामा करा लें, कुछ करा लें, मुद्दों से हम भटकने नहीं देंगे, ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। आपने कानून वापस ले लिया, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है, हम कानून वापस करा कर ही रहते। सरकार कोई आए, किसान नहीं डरता है। गुलिया जी, 13 महीने बाद किसान आंदोलन आज पूरी तरह सिमट गया है, किसानों को क्या मिला है? किसानों को लॉलीपॉप मिला है और बस कानून रद्द हुए, बाकी लॉलीपॉप है एज ऑफ नाउ। लेकिन किसान तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, आज फूल माला लेकर आए हैं। देखो, मैंने बताया ना कि कानून रद्द हुए हैं, इसलिए खुश हो गया है किसान टेम्परेरीली। लेकिन अगर 15 जनवरी वाली बात नहीं बनी सहमति, तो फिर से मैं आपको किसानों को सड़कों पर दिखाऊंगी, 0 डिग्री में, 4 डिग्री में, 5 डिग्री में, जनवरी की ठंड में मैं फिर से आपको किसानों को यही दिखा दूंगी। किसान बहुत मजबूत है, बहुत शरीफ हैं, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं, लेकिन किसान बेवकूफ कतई नहीं है। ये सरकार, किसान संतुष्ट है सरकार के इस पूरे जो फैसला लिया सरकार ने, तीनों किसान कानून वापस लेकर के? मैंने कहा कि संतुष्ट होते तो हम घरों को चले जाते। हमने आंदोलन को सिर्फ स्थगित किया है। किसी भी किसान नेता ने आपको ये नहीं सुना होगा कहते हुए कि हमने आंदोलन को ख़त्म कर दिया है। आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, आंदोलन टेम्परेरीली स्थगित किया गया है, एंड वी विल बी बैक। गुलिया जी, ये जो तीनों किसान कानून वापस हुए हैं, ये मोदी सरकार है, जो बीजेपी है, ये इसको चुनाव का डर दिखता है या किसानों का दबाव है? देखिए, सरकार चौतरफा से घिरी हुई है, चौतरफा घिरी हुई है। मसलन राफेल है, मसलन पेगासस है, मसलन शाहीन बाग वाला मसला था, महंगाई तो आप देख लिए कि हालत क्या हो गई है, डिमोनेटाइजेशन है इस हर जगह, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, चाइना ने घेर रखा है। तो विपक्ष भी समय समय पर आवाज़ उठाता रहता है और वो बात सुन के सच्ची भी निकलती है। किसानों की सबसे बड़ी जो मांग थी MSP पे गारंटी कानून, वो तो नहीं मिला है ना? हाँ, क्योंकि ये कहते हैं कि MSP पे हम कानून लिया है तो सरकार को इतने लाख करोड़ का घपला हो जाएगा, वो घटी, वो क्या होते हैं, क्या होगा यार, वो नुकसान होगा। तो जब ये अपने दोस्तों के हजारों लाखों करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ करता है नरेंद्र मोदी, तो देश को नुकसान नहीं होता, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर नहीं होती है। लेकिन अगर किसान को 4 रुपये दे दिए तो ये हो जाता है इसको नुकसान, देश को भी और नरेंद्र मोदी को भी। भाजपा के कार्यालय बन रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हरियाणा जैसी छोटी स्टेट में भी 100-100 करोड़ के। तो हम किसान, मैं आप मेरी शक्ल याद कर लें कि अगर हमारे आंदोलन सही चले तो सभी के सभी भाजपा कार्यालयों में और नागपुर के संघ कार्यालय में हमने अनाथालय खोल देने हैं। संघ को बैन करना ही होगा, नेहरू ने बचा लिया इनको, गलती होगी नेहरू से, पटेल ने तो इनको बैन कर दिया था जीवन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो सरकार चल रही है देश में मोदी जी की, वो संघ की चल रही है अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, संघ और मोदी मैं तो फर्क ही नहीं मानती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि संघ उतने घटिया काम कर सकता है जितने नरेंद्र मोदी खुद कर रहा है। हालांकि संघ बहुत ही घटिया मानसिकता वाले लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग हैं ये, और देश की आत्मा पर बोझ है। जब तक हम संघ को, विपक्ष में भी कोई ऐसा भारी भरकम लीडर चाहिए जो ये कहे कि हम आते ही, अब देखो ये मार देते हैं ना, RSS के खिलाफ जो भी बोलेगा मार देंगे। गौरी लंकेश है, जस्टिस लोया है, क्या नाम है, पेगासस ला के इन्होंने गोगोई से राम मंदिर का फैसला करवा लिया है। पेगासस को आपको पता है ना कि मीडिया नहीं उठा रहा है, लेकिन पेगासस कितना खतरनाक था, काले कानूनों से भी ज़्यादा खतरनाक पेगासस है। NSO इसराइल की कंपनी है, उसने उसको खतरनाक हथियारों की श्रेणी में डाला हुआ है, वो इस सरकार ने खरीदा, हर लोगों के नंबर लगाए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जांच है, चल रही है, तो देखते हैं। किसानों को अभी कुछ नहीं हुआ, किसानों के मसले जो के त्यों हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जो RSS है, संघ है, वो तो हिंदू धर्म को मजबूत कर रहा है देश दुनिया में। हाँ, मैं हिंदू धर्म में कह रही हूँ कि मानवता से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, जातियाँ दो ही हैं, स्त्री और पुरुष, बाकी सभी धर्म, मानव धर्म में सब कुछ है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो ये हिंदुत्व का जो एजेंडा बार बार लेकर आ रहे हैं, वो हमने खारिज कर दिया है। किसानों ने तो दिखाई दिया है, आपको देखा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर चारों धर्म तथा कथित धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर एक प्लेट में खा रहे हैं, और मैं आपके लिए बना रही हूँ, आप खा रहे हैं, हमें पता नहीं है एक दूसरे का जाति धर्म क्या है। तो जब मैं आपको बना के खिला रही हूँ तो आपको मेरे पर भरोसा है, यानी कि मानव पर भरोसा है।
लहू का एक रंग है, दो जातियां स्त्री पुरुष, और धर्म एक ही है मानव धर्म। लेकिन जो बीजेपी है जो अपना मैनिफेस्टो लेकर के आई थी 2014 में, उस पर तो काम कर रही है, और राम पर मंदिर पर वो काशी में जो है कॉरिडोर बना दिया है मोदी जी ने। कल काशी में गया था या जहाँ भी गया था, गंगा में डुबकी लगा रहा था नरेंद्र मोदी, 5 ड्रेस बदली है। अरे 70-80 साल की उम्र होगी क्योंकि अनपढ़ है, 2-4 साल छिपा भी रखे होंगे, इतना बुढ़ा हो गया है। किसान सबसे मजबूत है क्योंकि किसान गर्मी सर्दी में खेतों में भी पड़ा रहता है, हम बिजली के करंट से मर जाते हैं, आसमानी बिजली से मर जाते हैं, कुएं में उतरते हैं गैस से मर जाते हैं, गटर साफ करते हैं किसान मजदूर गटर में डूबते हैं 3 मर जाते हैं, और सफाई का अवार्ड लेके जाता है सचिन तेंदुलकर। ये सब नहीं होगा, आप किस विकास की बात करते हैं? हमें नफरत हो गई है ऐसी लोगों से, ऐसे धर्मों से, थूक पड़े ऐसे धर्म पर।